हेलो फ्रेंड्स, जिम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम विज्ञान की अगली पाठ्य योजना पर चर्चा करेंगे, यानी कि हमारे जो विज्ञान की पाठ्य योजना की सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी तक हम 39 वीडियोस बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको बहुत सारी लिंक मिलेंगी, जो कि हमारी प्लेलिस्ट की लिंक है। हमने हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस ढूंढने में और देखने में तकलीफ ना हो। तो वहाँ से आप साइंस की प्लेलिस्ट खोलकर प्रीवियस सारे साइंस के वीडियो देख सकते हैं। देखें, यदि पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप उनका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। जैसा मेरी पाठ्य योजना क्रमांक 40 है, तो मैंने यहाँ पे 40 डाला है। आपकी जो भी पाठ्य योजना का क्रमांक हो आप वो यहाँ पे डालें। फिर उसके बाद आपको इस तरीके से एक बॉक्स में ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनानी होती है, जो कि आप जब कक्षा में प्रेजेंटेशन करते हैं तब भी आपको वहाँ पे बनानी होती है। जब आप प्रैक्टिस सीटिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ये सब डालना पड़ता है, जिसमें आपका अवलोकनकर्ता और आपका जो पर्यवेक्षक है वो आपके लेसन प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। यदि आप अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम, यदि अध्यापिका हैं तो मेरी तरह ऐसे ही लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम। विद्यालय के नाम में जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। यदि आपके महाविद्यालय में ही प्रैक्टिस टीचिंग कराई जाती है तो फिर आपको महाविद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा हमारी 10 का प्रकरण है, विषय विज्ञान है, उपविषय हमारा रसायन विज्ञान है। दिनांक जब भी आप जिस डेट पे इसका प्रेजेंटेशन करें, जैसे मैंने आज की डाली हुई है। समय 40 मिनट्स का या 35 मिनट्स का, जितने का भी आपका पीरियड लगता हो। कालखंड जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं। प्रकरण है हमारा क्लोरीन गैस के गुण, यानी हमने पिछली प्रीवियस जो हमारी लेसन प्लान था वो क्लोरीन गैस के बारे में था, तो हमने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्लोरीन गैस के गुण पर ये लेसन प्लान बनाया है। आप लोगों के ही डिमांड पर मैं ये लेकर आई हूँ। सबसे पहले आपको डालना है पहला पॉइंट सामान्य उद्देश्य, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ पूर्व अनुसार, क्योंकि जो भी आपके विज्ञान में विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान में पढ़ाने के जो भी सामान्य उद्देश्य होंगे सभी पाठ्य योजना के लिए एक समान होंगे। तो आप ये प्रीवियस वीडियो से देख के लिख लीजिए, या फिर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पेज फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं इसकी पिक डाल देती हूँ, कई बार डाल चुकी हूँ और भी भविष्य में डाल दूँगी, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ये वहाँ से भी मिल जाएंगे, या प्रीवियस वीडियो से जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको डालना है विशिष्ट उद्देश्य अगला पॉइंट, जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है, यानी हमारा जो टॉपिक है क्लोरीन गैस वो हम के गुण वो हम कक्षा में क्यों पढ़ा रहे हैं, यानी क्लास में हम इसको जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य मेंशन करना होता है। तो हमारा प्रकरण है क्लोरीन गैस के गुण, तो उसके विशिष्ट उद्देश्य आपको लिखना है। मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई, प्रकरण आप जब ब्लैक बोर्ड फिलिंग करेंगे तब आप प्रकरण आप यहाँ पे खाली छोड़ेंगे, जब आपकी आपकी जो प्रस्तावना है वो निकल जाएगी और आप उद्देश्य कथन बोलेंगे तब आपको ये लिखना है, मैं आगे बताऊंगी। विशिष्ट उद्देश्य में हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य है विद्यार्थी क्लोरीन गैस के भौतिक व रासायनिक गुणों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी क्लोरीन गैस के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा है विद्यार्थी प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस की भौतिक एवं रासायनिक गुणों का प्रत्यक्ष प्रयोग कर सकेंगे, यानी उनको प्रत्यक्ष प्रयोग करना आ पाएगा। विद्यार्थी प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस के गुणों का निरीक्षण करने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे, वो उसका निरीक्षण भी करना सीख जाएंगे। विद्यार्थी प्रयोगशाला प्रयोग के आधार पर विषय में रुचि ले सकेंगे। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आपको शिक्षण विधि, किस विधि से आप पढ़ाएंगे ये भी मेंशन करनी होती है, या तो आप कॉलम भी बना सकते हैं जहाँ छात्र अध्यापिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार के बीच में, या फिर पहले भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी पाठ्य योजना में प्रयोगात्मक प्रश्नोत्तर विधि का ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए वहाँ हर जगह एक ही चीज़ डालने से कोई आश्रय नहीं है, इसलिए हमने यहाँ अलग से शिक्षण विधि डाल दिया है। प्रयोगात्मक प्रश्नोत्तर विधि, कथन विधि भी हम कहीं कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी, प्रयोगात्मक प्रश्नोत्तर विधि के अंतर्गत। सहायक सामग्री, इसमें हम लिटमस पेपर, कांच की छड़, अमोनियम क्लोराइड, कास्टिक सोडा, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड आदि, इन सब का हम सहायक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें कक्षा में लगेंगी, क्योंकि हमारा जो भी प्रेजेंटेशन है वो प्रयोगात्मक प्रश्नोत्तर के आधार पर ही हम उनको से प्रयोग कर करके दिखा दिखा कर प्रश्न पूछ कर ही उनको सिखा देंगे, पूरा पाठ समझा देंगे। तो आपको ये सारी सामग्री बहुत आवश्यक रूप से चाहिए ही रहेंगी इस प्रेजेंटेशन को करने में। फिर उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान,
पूर्व ज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लेसन प्लान में, क्योंकि यदि आपको पूर्व ज्ञान नहीं पता होगा तो आप उनसे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे हम पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी क्लोरीन गैस से परिचित हैं, यानी हमने पिछली पाठ्य योजना भी उससे रिलेटेड बनाई थी। और जब आप क्लोरीन गैस के बहुत गुण पढ़ाते हैं, यानी भौतिक और रासायनिक गुण आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यानी आप उनको क्लोरीन गैस पहले से ही पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि विद्यार्थी क्लोरीन गैस से परिचित हैं। उसके बाद आता है हमारा सबसे मेन पॉइंट, प्रस्तावना। यदि ये अच्छे से निकल जाती है तो मान लिया जाता है कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी आगे भी। तो इसमें आपको क्रमांक, छात्र अध्यापिका या अध्यापक व्यवहार, विद्यार्थी व्यवहार या विद्यार्थी क्रिया, इस तरीके से तीन कॉलम बनाने हैं। इन कॉलम में आप जिस भी टेक्निक से आपके प्रस्तावना प्रश्न करते हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे कि हमने प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूछा है तो हम यहाँ पे प्रश्न लिखे हुए हैं, बच्चों के संभावित उत्तर हम यहाँ लिख रहे हैं। जैसे क्लोरीन का संकेत क्या है, बच्चे बताएंगे सीएल। आप ब्लैक बोर्ड का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। फिर आप बच्चों से पूछेंगे इसका परमाणु भार कितना है, तो बताएंगे 35.5। उसके बाद आप अगला प्रश्न करेंगे क्लोरीन गैस का अणु सूत्र क्या होता है, तो बताएंगे Cl2। इसके बाद आप पूछेंगे कि इसके भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में बताइए, तो ये बच्चों को नहीं पता है तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद आप उद्देश्य कथन के माध्यम से कहेंगे कि बच्चों आज हम क्लोरीन गैस के भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ही आप, जो मैंने बोला था कि आपको टॉपिक नहीं डालना है, जब आप उद्देश्य कथन बोलेंगे बोलते बोलते ही आपको कक्षा में टॉपिक डाल देना है कि आज हम ये पढ़ेंगे। क्योंकि यदि आप पहले से डाल देंगे तो फिर प्रस्तावना प्रश्न पूछने का आश्रय ही नहीं निकलेगा, उनको तो पता ही रहेगा कि हम ये पढ़ने वाले हैं, आप उनको पूर्व ज्ञान से कैसे जोड़ेंगे, तो इसलिए आपको इस समय डालना है। उसके बाद आता है प्रस्तुतीकरण। प्रस्तुतीकरण में आपको इस तरीके से कॉलम बनाने होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। मैं जैसे आपको बता रही थी कि शिक्षण विधि, तो यदि आप चाहें तो यहाँ भी शिक्षण विधि का एक कॉलम बना सकते हैं, लेकिन हम एक ही शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं तो इसलिए हमने पहले ही मेंशन कर दिए। और चाहें तो आप क्रमांक का कॉलम भी बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्रमांक डालने नहीं होते हैं, हम अध्यापिका व्यवहार क्रिया के अंतर्गत ही सारे क्रमांक डाल रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बनाया। लेकिन यदि आपके फॉर्मेट में आपको कॉलेज से कहा गया है तो ज़रूर बनाएं। शिक्षण बिंदु में हमारा पहला शिक्षण बिंदु है भौतिक गुण, यानी हम पहले भौतिक गुण पढ़ाएंगे, उसके बाद हम रासायनिक गुण पढ़ाएंगे। तो हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि क्लोरीन गैस का रंग कैसा होता है, तो हरे पीले रंग का बच्चे बताएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछली कक्षा में पढ़ा है इसलिए वो आसानी से बता पाएंगे। इसकी गंध कैसे कैसी होती है, तो तीक्ष्ण गंध होती है, बच्चे बताएंगे। फिर हम पूछेंगे यह वायु की तुलना में कितनी भारी होती है, तो ये उनको नहीं पता, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तब हम उन्हें बताएंगे कि ये वायु की तुलना में 2.5 गुना भारी होती है, इस तरीके से हम उन्हें बताएंगे। इस समय विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे बोलते समय वो नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न करेंगे और अधिक ठंडे करने पर क्या परिवर्तन होता है, तो हरे पीले रंग के द्रव में बदल जाती है। इस द्रव का कथनांक कितना होता है, तो ये उनको नहीं पता है, भाई हमें उन्हें बताना है। तो हम उन्हें बताएंगे कि क्लोरीन इस द्रवीय अवस्था में कथनांक -34.6 डिग्री सेल्सियस होता है, तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद कथनांक इसका 34.6 डिग्री सेल्सियस होगा, मैंने माइनस गलती से बोल दिया। उसके बाद हम अगला प्रश्न पूछेंगे कि और अधिक ठंडा करने पर क्या परिवर्तन होता है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। छात्र अध्यापिका कथन द्वारा हम उन्हें बताएंगे कि इसे और अधिक ठंडा करने पर पीले रंग का ठोस बन जाता है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगला प्रश्न करेंगे इस ठोस का गलनांक कितनी डिग्री सेल्सियस होता है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। तब हम बताएंगे कि इसका गलनांक जो होता है वो 101 डिग्री सेल्सियस होता है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ से हमारे रासायनिक गुण भी शुरू हो जाएंगे। इस गैस के जलने पर क्या परिवर्तन होता है, तो समस्यात्मक प्रश्न। तब हम बताएंगे कि यह गैस स्वयं नहीं जलती, परंतु कुछ तत्व जैसे सोडियम, सल्फर, फास्फोरस आदि अपने क्लोराइड बनाते हैं। इस तरीके से हम ब्लैक बोर्ड वर्क करेंगे और उनको बताएंगे ये सारे फॉर्मूले, इस तरीके से क्रिया करके बताएंगे कि इस तरीके से क्रिया होती है। पूरे फॉर्मूले आप उनको समझाएं, आप ये केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से समझाना भी आना चाहिए और आता भी होगा। अगला प्रश्न हम करेंगे कि अन्य रासायनिक गुण बताओ, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तब हम बच्चों
आपको बताएंगे कि सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और ये सारी चीज़ें वो नोट भी करते जाएंगे। इस तरीके से हम सूत्र भी बताएंगे उनको कि H2+Cl2 सूर्य का प्रकाश बराबर 2HCl बन जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड NH4OH से भीगी छड़ गैस के मुंह पर ले जाकर इस तरीके से उनको दोनों चीज़ें बताएंगे। और फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि तुम्हें अब तुम क्या देखते हो, तो सफ़ेद धुआं निकलता है। फिर यह सफ़ेद धुआं क्या है, तो समस्यात्मक प्रश्न है। फिर आपको बताना है कि यह सफ़ेद धुआं अमोनियम क्लोराइड का धुआं है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे, आपको ये ब्लैक बोर्ड पर बताना है, वो नोट भी करेंगे। फिर भीगी हुई नीले लिटमस को गैस जार में ले जाकर क्या प्रभाव देखते हो, तो बताएंगे रंग साफ हो जाता है। ये सारी जो हमारी पूरी पाठ्य योजना है पूरी प्रश्नोत्तर पर ही आधारित है। प्रश्न पूछकर ही आप बच्चों को सिखा रहे हैं और प्रश्न प्रश्न करते करते ही वो सारी चीज़ें सीखी जाएंगे उत्तर देते देते, कि जब वो प्रश्न आप प्रश्न कर रहे हैं उन्हें चीज़ें दिखा रहे हैं वो आंसर दे रहे हैं, तो उनको अपने आप वो सीखते भी जाते हैं। छात्र अध्यापिका गैस जार में भीगे फिर फूल डालकर फूलों के रंग पर क्या परिवर्तन हुआ पूछेंगे, तो फूलों का रंग उड़ जाता है, बच्चे बताएंगे। उसके बाद आप अगला प्रश्न करेंगे कि यह गैस में क्या गुण हुआ, तो यह गैस रंग उड़ाने वाली गैस हुई। गैस जार में जलती मोमबत्ती ले जाकर क्या देखते हो, तो धुएं मोमबत्ती धुएं के साथ जलती है। इस तरीके से आप उनसे प्रश्न करेंगे। फिर अगला प्रश्न करेंगे कि यह गैस जलने में किस तरह की है, तो जलने में सहायक होती है। उनको एग्जाम्पल देखने को मिल गया, वो फटाक से बता देंगे आपको, तुरंत ही उत्तर दे देंगे। अगला प्रश्न करेंगे आप सिल्वर नाइट्रेट के घोल में गैसी प्रभावित करने पर क्या देखते हो, तो सफ़ेद रंग का पदार्थ दिखाई दे रहा है, बच्चे आंसर देंगे। क्योंकि वो आंसर इसके जल्दी दे पाएंगे, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हम कैसे पढ़ा पाएंगे, लेकिन यदि आपके पास ये सहायक सामग्री है और आप उनको दिखा पा रहे हैं तो वो आंसर दे पाएंगे, खुद जल्द से जल्द सीख जाएंगे। आपकी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होगी, परिवेक्षक भी खुश होगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। लेकिन आपके पास सहायक सामग्री होना चाहिए पर्याप्त रूप में, आपको एक बार उसको सारी चीज़ों को टेस्ट करके किस तरीके से आप प्रश्न पूछेंगे ये प्रैक्टिस होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपका ये प्रेजेंटेशन जाएगा। फिर आप उन्हें समझाएंगे छात्र अध्यापिका कथन द्वारा कि ये सफ़ेद रंग का पदार्थ सिल्वर क्लोराइड है का अवक्षेप है। इस तरीके से ये आप मुख्य बिंदु ब्लैक बोर्ड पर भी लिखते जाएंगे। उसके बाद आता है श्यामपट कार्य। श्यामपट पर जो भी आप कार्य करें यहाँ ले सकते हैं, मैंने सिर्फ इतना सब बना दिया है, लेकिन आप चाहें तो और भी भौतिक और रासायनिक गुण यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि भौतिक गुण के अंतर्गत क्या आएगा, रासायनिक गुण के अंतर्गत क्या आएगा। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि जो भी आपने पार्ट में उनको पढ़ाया समझाया एक्सप्लेन किया, अब आप उनका मूल्यांकन करेंगे या पुनरावृत्ति कराएंगे कि उनको कितना समझ में आया, वो कितना सीख पाए। तो यहाँ पर हमने दो प्रश्न लिए हैं, आप इनकी संख्या भी बढ़ा सकते हैं, बीच में जो हमने प्रश्न पूछे थे वो भी यहाँ डाल सकते हैं। फिर हम कक्षा कार्य देंगे, यानी कक्षा में उनको एंगेज करने के लिए, क्योंकि हमें पिछले दिन का होमवर्क भी चेक करना है, तो यहाँ पे हम उन्हें रिक्त स्थान दे देंगे। आपकी बुक में यदि सही जोड़ी हो तो वो भी आप दे सकते हैं, कुछ और प्रश्न भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गृह कार्य में आप उनको जो होमवर्क देंगे वो यहाँ पे आपको लिखना है, इसीलिए होमवर्क ज़रूर चेक करना है, इसलिए हम कक्षा कार्य देते हैं कि हम पिछले दिन का होमवर्क चेक कर सकें, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स पे हमारे परिवेक्षक की नज़र होती है, वो हमें जांचते हैं कि हमने किस पॉइंट का किस तरीके से उपयोग किया, कैसा प्रेजेंटेशन किया। उसके बाद आता है टिप्पणी, यानी आपका जो भी परिवेक्षक होगा यहाँ पर आपको टिप्पणी देकर बताएगा कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या सुधार की आवश्यकता है, यानी लेसन प्लान से रिलेटेड गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। उसके बाद आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर, परिवेक्षक के हस्ताक्षर, आप चाहें तो परामर्शदाता या विषय शिक्षक के हस्ताक्षर का कॉलम भी बना सकते हैं। यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।